बबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र से है, जहां पर कोटेदार की मनमानी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने यूनिट से कम राशन देने का आरोप लगाया है। देश और प्रदेश में चल रहे कोरोना वायरस जैसी महामारी को देख प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन गरीब असहाय झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए लंच पैकेट के साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कोशिश में जुटी है, ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे। वहीं जिले के अतरौलिया में देहुला सल्तनत व सरैया रत्नवेव के कोटेदार द्वारा राशन वितरण को लेकर घटतौली का मामला सामने आया। मामले की सूचना मिलते ही आज उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अतरौलिया के देहुला सल्तनत में पहुंचे, जहां उन्हें राशन वितरण में घोर लापरवाही मिली, जिसको संज्ञान में लेते हुए उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर ने तत्काल सप्लाई इंस्पेक्टर को बुलाकर निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। प्रशासन के इस कदम से पूरे तहसील में कोटेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो कोटेदार है रुपेश लाल श्रीवास्तव, यहाँ पर कोटा चलाते हैं, और ये कोटा जो हमारे ग्राम सभा से 2 किलोमीटर दूर नेबुआडी और बठही चौक के बीच में चलाया जाता है, जिसमें आने जाने में हमारे वृद्धा औरतें हैं और दादी हैं और बुजुर्ग हैं, जो लोग आते जाते हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है, राशन लेने में भी उनको दिक्कत होती है। और जहाँ तक देखा जाए सवाल है तो अपना ये लाल कार्ड पे जहाँ इनको 35 किलो देना चाहिए वहाँ ये 30 किलो दे रहे हैं, और जो सफ़ेद कार्ड है जहाँ पर इनको 30 किलो देना चाहिए वहाँ ये 24 किलो दे रहे हैं। हर यूनिट पे ये 1 किलो से ज़्यादा काट रहे हैं, और काफ़ी समस्या बनी हुई है, जिसमें कोटेदार जो है जाने के बाद वहाँ धमकी भी दे रहे हैं। इससे पहले 1 तारीख को लाल कार्ड का गल्ला बांटा गया, जिसमें सीताराम राजभर की पत्नी जो गल्ला लेने गई थी, 2 और राजभर के लोग थे, गल्ला उस समय अधिकारी भी मौजूद थे, गल्ला दे दिया गया था, लेकिन उनके जाने के ठीक जो है भूखन शर्मा के लड़के विशाल शर्मा जो है वो गल्ले में बोरी में से गल्ला जो है 5-5 किलो निकाल लिए हैं जो है। इसके बाद वो चली आई, आने के बाद उन्होंने बोला आके, मतलब कहीं आके वो बोली जो है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो रुपेश लाल बोले कि अभी है नहीं, बाद में देखते हैं। जैसे कि समस्या लॉकडाउन के पहले थी या अभी तत्काल में आई है? ये लॉकडाउन के पहले भी समस्या थी, लेकिन कोई जनता बोलता नहीं था जो है, कोई पब्लिक का सपोर्ट नहीं था, इसलिए हमने इसके लिए जो है जनता से पूछा। जनता बोल भी रही है, लेकिन जनता को डराया जा रहा है। कल की बात है, कल दोपहर में हम उनसे बात किए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ पत्रकार भी आए थे, पत्रकार के आने के बाद वो जनता में आके दबाव बना रहे थे कि कोई अगर अधिकारी आता है तो आप कह दीजिएगा कि 5 किलो ही गल्ला दिया जाता है, हर यूनिट पे 5 किलो दिया जाता है, जनता के बीच में वो आके बोले। कौन सा सरैया रत्नवेव? क्या समस्या? समस्या है कि राशन भी कम मिलता है। कौन कम देता है? और ये रुपेश कोटेदार हैं? हाँ कोटेदार हैं। अभी किसी से कहा आपने? कोटेदार हैं, यहाँ बांटे चाहिए वरना गाँव में बांटते हैं, 28 बाजार में। इसकी शिकायत किया किसी से आपने? बहुत हम लोग कहे, कोई अधिकारी सुनता भी नहीं है। फिर क्या चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं हम लोग के सही से गल्ला दें, और उसे क्या हम इच्छा है। नाम हरीश चंद, मेरे पिताजी का नाम श्री बसंत राम, ग्राम सरैया रत्नवेव का निवासी हूँ। क्या समस्या है अभी? समस्या यही है कि मतलब जैसे कि हम लोगों का गल्ले को लेकर के है समस्या, जैसे कि यूनिट के हिसाब से 5 किलो होता है हम लोगों का, और जैसे कि हमारे 6 परिवार हैं, 6 परिवार में बनता हमारा 30 किलो, लेकिन हमको 24 किलो मिलता है। आपने इसकी शिकायत किससे की? शिकायत किससे करेंगे, उन्हीं से कहते थे कि वो कि कम मिल रहा है, तो वो बोलते थे कि जो है भाई कम हमको मिलता ही है, आगे से कम मिलता तो हम कम देंगे। कौन है कोटेदार? कोटेदार रुपेश लाल श्रीवास्तव। ये देवला सल्तनत में मैं स्वयं गया था और पाया कि बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनको जो उनकी यूनिट है उसमें एक उसके सापेक्ष कम राशन दिया जा रहा है। बहुत कुछ लोगों ने बयान भी संबंध में किए हैं, कोटेदार के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, और सराय रत्नावे में सप्लाई इंस्पेक्टर जा रहे हैं, और वहाँ भी यदि ये शिकायतें सही पाई गई तो कोटेदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।